इस प्रस्ताव आपने मुझे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 झारखंड पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। झारखंड राज्य में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थानांतरित करने और कुछ समुदाय जैसे देशवरी देवश्वरी गंजू दौलतबंदी पटबंदी राउत मझिया खैरी तमड़िया को भी शामिल करने के लिए यह बिल लाए हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में किसी भी जाति को शामिल करने का जो उद्देश्य है वह उस जाति की आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक विकास करने के लिए। इस क्रम में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उक्त जाति को आर्थिक विकास के लिए सरकार ने अपनी तरफ से जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान दिया है उस जाति के सदस्यों को उसको नौकरी और आर्थिक सहायता मिले, इस पर पूरी तरह से जोर दिया जाना चाहिए। भोक्ता समुदाय के लोग लंबे अरसे से अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग करते चले आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी कई सारे किए हैं। ये समुदाय अधिकांश घने जंगलों और पहाड़ों में बसने के कारण अपने सामाजिक शैक्षणिक एवं राजनीतिक विकास से कोसों दूर है, जिसके कारण अपनी मूलभूत सुविधाएं एवं अधिकारों से वंचित है और इसलिए अभी तक इनका विकास नहीं हो पाया है। अनुसूचित जनजाति की सूची में जातियों की संख्या अधिक है। संख्या अधिक होने के कारण इनकी जनसंख्या में भी काफी तादाद में है। आरक्षण के साथ साथ एससी की तुलना में एसटी के लिए अधिक कल्याणकारी और विकास की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लाई जाती हैं और बजट 2022-23 में भी 12% अधिक बजट इसके लिए दिया गया है। यह लाभ इस समुदाय के शामिल होने पर इनको मिलेगा और इसके माध्यम से इन जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस जनजाति वर्ग के लोगों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उनकी शिक्षा कायदे से हो। जब तक इस वर्ग के लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक इस समाज का विकास होना नामुमकिन है। इसी क्रम में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का विकास तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण को पूर्णतः लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी मांग करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहले जो शून्य बैलेंस पर एडमिशन होता था अब उसको बंद कर दिया गया है। अगर जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास फीस जमा करने के पैसे होंगे तो उनको इस तरह से छात्रवृत्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मैं मांग करती हूँ कि जिस तरह पहले से जीरो बैलेंस पे एडमिशन होता था उस तरह से फिर से एडमिशन हो और लोगों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करके अच्छी छात्रवृत्ति दी जाए। धन्यवाद। श्री विद्युत बरन महतो जी।